मैं तो सोचता हूँ एक बार योगी पीएम बन जाए, उसके बाद जो देखा जाए। एक बार मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? नहीं जी, मोदी के कार्यकाल की बात की मैं बात बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, एक बार योगी को मैं दिल से चाहता हूँ कि पीएम बने, उसके बाद बाकी तो बाबा का। वहाँ पे जो है काशी के अंदर में पूरा विकास हो रहा है पूरे देश में, और बाकी जगह में जाइए कहीं कुछ नहीं है, खाली काशी में दिखाने से क्या होगा? उत्तर प्रदेश में नहीं, जहाँ जहाँ मोदी सब दूर विकास हो रहा है। मोदी तो पूरे भारत में सब दूर विकास हो रहा है। हमारे उधर कच्चे मकान खत्म हो, पूरे 3-3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कोटी मकान पक्के मकान बनाए उसने। और मोदी खाली बनारस के फेस नहीं है, मोदी द फेस ऑफ होल इंडिया, पूरे इंडिया के फेस है मोदी। यहाँ पे कदई चौकी चले जाइए, कदई चौकी चले जाइए, नई सड़क चले जाइए, प्रयागराज क्यों जा रहे हैं, कदई चौकी चले जाइए आप। बस यहाँ से 10 कदम, यहाँ से 10 कदम चले जाइए, प्रयाग नहीं जाना है। आप कदई चौकी दशा सुमे रहे यहाँ पे। खाली काशी में अच्छा लगता है, पूरे बनारस या पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, खाली बस इतने काशी भर में और कहीं कुछ नहीं है। पीछे जाएंगे तो नाला का जो है, नाली का पूरा बदबू बह रहा है, गंदा नाला बह रहा है पीछे। कहाँ से आए भाई साहब? हम यहीं के रहने वाले भाई साहब। अच्छा, कैसा लगता है आपका बनारस? पहले का बनारस तो पहले से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाली काशी में अच्छा लगता है, पूरे बनारस या पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, खाली बस इतने काशी भर में और कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब जो लोग ये बोल रहे हैं कि काशी के विकास को उत्तर प्रदेश का विकास माना जाता है, ये सही बात है? वो अलग बात है, वो अपना विकास माना जाता है, वो बात सही है। काशी की वजह से वो बात सही है, ये काशी का है, उत्तर प्रदेश का महा मतलब नगरी है, तो बात सही है। अपनी जगह भाई सेठ जी, अब यहाँ पे जो है काशी के अंदर में पूरा विकास हो रहा है पूरे देश में, और बाकी जगह में जाइए कहीं कुछ नहीं है, खाली काशी में दिखाने से क्या होगा? कुंभ कहाँ हुआ? कुंभ भी तो इलाहाबाद में, महाकुंभ हुआ है इलाहाबाद में हुआ है, वो विकास का नहीं था क्या? वो विकास नहीं था क्या? इलाहाबाद के सारे चौराहों, इलाहाबाद के सारे, अरे गोरखपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है वैसा, कुछ नहीं है सारे जगह में ऐसा। यहाँ पे कदई चौकी चले जाइए, कदई चौकी चले जाइए, नई सड़क चले जाइए, प्रयागराज क्यों जा रहे हैं, कदई चौकी चले जाइए आप। बस यहाँ से 10 कदम, यहाँ से 10 कदम चले जाइए, प्रयाग नहीं जाना है। आप कदई चौकी दशा सुमे रहे यहाँ पे, काम चल रहा है कदई चौकी में, काम चल रहा है बहुत जल्दी, वहाँ भी वहाँ पे विकास होगा, विकास हर जगह होगा। और मोदी खाली बनारस के फेस नहीं है, मोदी द फेस ऑफ होल इंडिया, पूरे इंडिया के फेस है मोदी। पीछे जाएंगे तो नाला का जो है, नाला का पूरा बदबू बह रहा है, गंदा नाला बह रहा है पीछे। अरे भैया बाबतपुर जाइए, सारनाथ जाइए, रिंग रोड देखिए, नाला नदी में बह रहा है, कहाँ पे मिर्जापुर में, यहाँ भी बह रहा है, यहीं से हो आप? बनारस से हो? हाँ, बनारस नगवा का बहुत दिन का नाला बह रहा है, गंगा में जाता है। मायावती पार्क में शिकायत नहीं की? शिकायत क्या मोदी जी से? आप दूध पी रहे हैं, नहीं शिकायत क्या करे, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? उस सब पूरा बनारस जानता है नाला का बारे में। महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया है, हर चीज है, कहाँ होगा? कहाँ से आए जी? मैं बनारसी से हूँ जी, 15 साल हो गया हमको यहाँ पर आते हुए, मतलब 15 साल हो गया। पहले को आपके बनारस में कुछ फर्क दिखा? देखिए फर्क तो बहुत दिखा है सर, इस जगह देखिए भाजपा की लहर चल रही है, हर तरफ इलेक्शन का माहौल है, जनता इस बार पत्थर छुएगी तो सोना बन जाएगा, सोना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पहले वाले बनारस में और आज के बनारस में कितना फर्क है? नहीं मतलब चेंज तो हुआ है बनारस में, कुछ चेंजिंग तो हुआ है, जो कुछ जगह पे हुआ, सब जगह नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगह पे हुआ है। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश ये बोल रहा है कि बनारस के विकास को पूरे उत्तर प्रदेश का विकास बताया जा रहा है? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा विकास? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। आप ऐसा नहीं मानते? भाई जो दिख रहा है, जहाँ हो रहा है वहाँ दिख रहा है। और बाकी शहरों में गए होंगे उत्तर प्रदेश के आप? नहीं, हम तो बनारस में हैं तो बनारस की बात करेंगे, बाकी जगह तो जहाँ करेंगे वो लोग बताएंगे। बनारस में जहाँ डेवलप हुआ वहाँ दिख रहा है। कहाँ से हैं? हम जिला टीकमगढ़ के हैं। टीकमगढ़ के हैं, कब से हैं बनारस में? बनारस में हाँ। हम आते जाते हो गई हमको 10-11 साल हैं। अच्छा हाँ, पहले वाला बनारस आपके बनारस में कुछ फर्क है? बहुत अच्छा है, बड़ा बढ़िया आनंद है। आनंद आ गया? हाँ आनंद आ गया, कमाई बढ़ गई?
कमाई बढ़ गई साहब, जब तो हम इधर रह रहे चार गाड़ी पांच गाड़ी हम लोग लगा देते हैं रात भर में, बहुत यात्री आ रहे हैं इस समय। अच्छा, कौन सी गाड़ी लगाते हैं आप? टबेरा हुआ, क्रूजर हुआ, बाहर की जितने गाड़ी आती है वो सब गाड़ी जाके आगे होटल में लगाते हैं हम लोग। कहाँ से आए भाई साहब? हम तो चंदौली से आए हैं सर। कैसा लग रहा है बनारस? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, काफी बदलाव लग रहा है, अद्भुत लग रहा है एकदम एकदम। मैं तो आज मंगला आरती देखने के लिए आया हूँ, जा रहा हूँ वही टिकट लेने के लिए। अच्छा। तो काफी, मैं चार साल के बाद खैर आया हूँ यहाँ पे और काफी अलग लग रहा है। अच्छा। जी, काशी के विकास को ही उत्तर प्रदेश का विकास माना जाए क्या? अब सर मैं तो अभी काशी में हूँ तो यही कह सकते हैं जी। आप यहाँ चंदौली में क्या? सर चंदौली में जो है सड़कें का रोड जो है काफी अच्छे खासे में हो रहा है। अच्छा। जी हाँ, रोडे बनाई जा रही है। हाँ, रोडे बनाई जा रही है अच्छी खासी। और मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ चकिया से, और चकिया में साफ सफाई काफी अच्छी है। अच्छा। हाँ, पहले के अपेक्षा। सरकार के कामकाज कैसे रहे उत्तर प्रदेश सरकार के? मैं तो संतुष्ट हूँ सर, दुनिया का नहीं मालूम, मैं संतुष्ट हूँ। जी जी बिल्कुल। दोबारा क्या चाहते उत्तर प्रदेश में कौन आए? मैं तो सोचता हूँ एक बार योगी पीएम बन जाए, उसके बाद जो देखा जाए। एक बार मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? नहीं जी, मोदी के कार्यकाल की बात की मैं बात बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, एक बार योगी को मैं दिल से चाहता हूँ कि पीएम बने, उसके बाद बाकी तो बाबा का। ताजी भी पीछे लगे हुए भाई साहब। चलिए अमित साहब भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप परसेंटेज पूछेंगे तो योगी जी की थोड़ा सा मतदाता में ज्यादा हो जाएंगे। जी जी। कहाँ से आए भाई साहब? नहीं नहीं, कहाँ से आए? एमपी, एमपी, एमपी। पहली बार आए और भी पहले आए? नहीं, यहाँ ससुराल है मेरी। अरे वाह, तो आते जाते रहे? नहीं, कभी कभी याद है। अभी की काशी में, पहले वाली काशी में जब आपकी शादी हुई होगी तो उस टाइम की काशी में कितना अंतर है? 1001% अंतर है। 1000% का अंतर है? बहुत अंतर है। क्या लगता है आपको कैसा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ऐसा लगता है कि हम नहीं, बहुत बहुत बदल चुका है, बहुत बदल गया है। मुंबई से आए? पहली बार ही आए या? नहीं, आए हुए पहले, तो चौथी पांचवी बार होगा। अच्छा, तब की काशी में और अब की काशी में कितना अंतर लगता है? बहुत अंतर हो गया, बहुत अंतर। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं, जहाँ जहाँ मोदी सदूर विकास हो रहा है, मोदी तो पूरे भारत में सदूर विकास हो रहा है। हमारे उधर कच्चे मकान खत्म हो, पूरे 3-3 लाख रुपए, 2.5-2.5 लाख रुपए दे कोटी मकान, पक्के मकान बनाए उसने। अच्छा, एमपी में? एमपी में। वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है ना? है, वहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है। वहाँ भी आपने शिवराज सिंह जी, बीजेपी की सरकार? हाँ, बीजेपी की सरकार। मतलब जहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी डेवलपमेंट का वही होगा या दूसरे राज्यों में भी होगा? अब दूसरे नहीं, जहाँ जहाँ का आदमी हो वही वही की बात बता पाएगा, दूसरे राज्य कैसे बता पाएगा।